भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से आखिरी ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के महाराष्ट्र राज्य के संभाजी नगर, जिसे पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वेरुल गांव में स्थित है। ये भी शिव शंकर का एक बहुत ही प्रतिष्ठित मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर शिव शंकर स्वयं प्रकट हुए थे। तो दोस्तों, आज हम आपको इस ज्योतिर्लिंग के वर्चुअल दर्शन करवाएंगे और आपको बताएंगे कि आप कैसे घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच सकते हैं, यहाँ पहुंचकर आप कहाँ रुक सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है, क्या पौराणिक कथा जुड़ी हुई है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से, आसपास और कहाँ घूम सकते हैं आप, कितने दिन पर्याप्त है यहाँ पर आकर दर्शन करने के लिए, कौन सा टाइम सबसे बेस्ट है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग विजिट करने के लिए, और आपका इस ट्रिप पर अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा हो सकता है, और भी कई सारी जानकारियां घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से रिलेटेड। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इसे बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, बिना वक्त जाया करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, सबसे पहले ये जानकर कि आप घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंच सकते हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले औरंगाबाद पहुंचना होगा। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट औरंगाबाद का पड़ेगा, जहाँ से घृष्णेश्वर का डिस्टेंस 36 किलोमीटर के आसपास का है। आप यहाँ से डायरेक्ट कैब कर घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग इजीली पहुंच सकते हैं, और अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं तो आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन औरंगाबाद का पड़ेगा, जहाँ से घृष्णेश्वर का डिस्टेंस 29 किलोमीटर के आसपास का है। यहाँ से आप ऑटो, कैब या बस लेकर आप घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग इजीली पहुंच सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपने गृह स्थान से खुद की गाड़ी, पर्सनल कैब या टैक्सी लेकर आ रहे हैं तो आप इजीली बाय रोड घृष्णेश्वर तक पहुंच सकते हैं, और अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आप औरंगाबाद तक पहुंचिए, फिर औरंगाबाद से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी वेरुल की, उससे आप घृष्णेश्वर तक पहुंच सकते हैं। और अगर आपके गृह स्थान से औरंगाबाद की ट्रेन अवेलेबल नहीं है तो आप मनमाड़ पहुँच सकते हैं, वहाँ से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी औरंगाबाद की और घृष्णेश्वर की, आप उससे भी पहुँच सकते हैं। मनमाड़ से घृष्णेश्वर का डिस्टेंस 130 किलोमीटर का है, और अगर आपके यहाँ से मनमाड़ की भी ट्रेन अवेलेबल नहीं है तो आप नासिक पहुँच सकते हैं या फिर पुणे पहुँच सकते हैं, वहाँ से आप बस लेकर डायरेक्ट औरंगाबाद और फिर औरंगाबाद से बस लेकर घृष्णेश्वर पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं और आप औरंगाबाद ही उतर रहे हैं तो आपको औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से औरंगाबाद के सेंट्रल बस स्टैंड जाना होगा, जो कि यहाँ से करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही है। आप ये ऑटो से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। शेयरिंग बेसिस पर ऑटो 20 रुपीज़ लेते हैं, और आप पर्सनल ऑटो करके जाते हैं तो आप 40 रुपीज़ में ऑटो बुक करके जा सकते हैं। फिर इस बस स्टैंड से आपको डायरेक्ट वेरुल के लिए लो फ्लोर CNG बसेस मिल जाएगी। इसका वन साइड का किराया 50 रुपीज़ होता है, लेकिन अगर आप 80 रुपीज़ का पास ले लेते हैं तो आपको पूरे दिन इस बस में आप कहीं पर भी कितनी बार भी घूमिए, आपको उसके बाद कोई किराया नहीं देना। उसके बाद चाहे तो आप इन बस में पूरा औरंगाबाद भी इजीली कवर कर सकते हैं, पास बनवाना वर्थ होता है। यहाँ से घृष्णेश्वर का डिस्टेंस 29 किलोमीटर के आसपास का है, जो कि तय करने में आपको करीबन 1 घंटा लग सकता है। और अगर आप कैब से औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट वेरुल जाना चाहते हैं तो आपको कैब 5 सीटर 1400 की पड़ेगी और 7 सीटर 2000 रुपीज़ की पड़ेगी, और अगर आप ऑटो बुक करके जाना चाहते हैं तो ऑटो आपसे 800 रुपीज़ चार्ज करेगा। उसके बाद आप पहुंचते हैं वेरुल, जहां पर सिचुएटेड है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचकर अब बात आती है स्टे की। स्टे के लिए यहां पर आपको कई सारे भक्त निवास मिल जाएंगे, जो कि आपसे 400 से 500 रुपए में आपको इजीली यहां पर स्टे मिल जाएगा। मंदिर से 500-600 मीटर के डिस्टेंस पर लक्ष्य विनायक गणेश टेम्पल के पास बनी हुई एक कॉलोनी है, यहाँ पर आपको कई सारे होम स्टे और आश्रम मिल जाएंगे, जहाँ पर आप 800 रुपए में 4 बेड के ऑक्यूपेंसी के साथ आप स्टे कर सकते हैं। और यहाँ पर ओम सिद्धेश्वर भक्त निवास भी है, जहाँ पर आप 600 रुपए में नॉन एसी रूम और 800 रुपए में एसी रूम इजीली यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से आप थोड़ी सी मार्केट से होते हुए अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का मेन गेट दिख जाएगा। अंदर कोई भी मोबाइल फोन और कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए आपको सामने शॉप्स पर अपना कैमरा और मोबाइल फोन डिपॉजिट कराना होता है, जिसका चार्ज 5 रुपीज रहता है। और यहीं साइड में आपको जूता चप्पल स्टैंड भी दिखेगा, आप अपने जूते चप्पल यहाँ पर भी उतार सकते हैं, या फिर अगर आपको प्रसाद लेना है तो आप प्रसाद लेकर प्रसाद वाले की दुकान पर ही अपने जूते चप्पल उतार सकते हैं। अंदर बैग्स वगैरह अलाउड है। उसके बाद आप अंदर दर्शन के लिए जाते हैं।
नॉर्मल डेज में यहाँ पर आपको दर्शन में करीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। और यहीं अगर आप सावन के महीने में महाशिवरात्रि के दिन किसी भी हिंदू फेस्टिवल पर आते हैं तो आपको ये 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं। और फिर आपको इस लाइन में लगना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी पेड या कोई भी VIP एंट्री नहीं है। आप यहाँ से जिगजैग रेलिंग से होते हुए मंदिर परिसर तक पहुँचते हैं और मंदिर की खूबसूरती देखकर हर हर महादेव के नारे लगाते हुए आगे तक जाते हैं। काफी बेहतरीन बना हुआ है ये मंदिर। जैसे ही आप आगे मंदिर के सभा मंडप तक जाते हैं यहाँ पर जेंट्स और लेडीज की लाइन अलग हो जाती है। इसके बाद जैसे ही आप थोड़ा आगे जाते हैं तो यहाँ पर आप गर्भगृह तक पहुँचते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिशन है। यहाँ पर गर्भगृह में अंदर जाने से पहले जेंट्स को और जितने भी मेल हैं उनको ऊपर से अपना शर्ट बनियान सब कुछ निकालकर नग्न ऊपर अवस्था में गर्भगृह में जाना होता है। उसके बाद आप गर्भगृह में जाकर शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं और इस शिवलिंग को स्पर्श भी कर सकते हैं। तो अगर आपको गर्भगृह में जाना है और अगर आप मेल हैं तो आपको शर्ट टी शर्ट बनियान उतार के ही अंदर जाना है। फीमेल्स के लिए ऐसा नहीं है। फीमेल्स के लिए आपको साड़ी और कुर्ते में ही आपको गर्भगृह में दर्शन हो जाते हैं। गर्भगृह से आप बाहर आते हैं, बाहर आकर अपना शर्ट पहनिए और यहाँ से आप दर्शन करके मंदिर से बाहर की तरफ जा सकते हैं। मंदिर में दर्शन के बाद आप यहाँ से 400 मीटर के डिस्टेंस पर आप शिवालय कुंड के भी दर्शन कर सकते हैं, जिसे शिवालय सरोवर भी कहा जाता है। मंदिर के दर्शन के बाद यहाँ पर आना अनिवार्य भी है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा के अनुसार इस गांव में सुधर्मा ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ बहुत हंसी खुशी रहता था, लेकिन ये दंपति संतान सुख की प्राप्ति से वंचित थे और सुदेहा कभी मां नहीं बन सकती थी, यह प्रमाणित हो चुका था। इसलिए सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुष्मा के साथ अपने पति सुधर्मा का जिद पूर्वक विवाह करवा दिया। घुष्मा जो कि शिवजी की एक अनन्य भक्त थी, वो प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग को बनाती, उनकी पूजा करती और उन्हें इसी सरोवर में विसर्जित करती थी। समय बीतता गया और कुछ समय पश्चात घुष्मा ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, लेकिन धीरे धीरे अपने हाथ से पति प्रेम घर द्वार मान सम्मान को छिनते हुए सुदेहा के मन में ईर्ष्या जागने लगी और उसने इस ईर्ष्या से ही उसके बालक को मार दिया और उसके शव को इसी तालाब में फेंक दिया। बालक की खबर सुनकर चारों ओर हाहाकार मच गया, लेकिन घुष्मा प्रतिदिन की तरह उस दिन भी 101 शिवलिंग की पूजा करी और उसी सरोवर में विसर्जित करने लगी, जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं। तो इस अनन्य भक्ति से शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने उसके उस बालक को वहां पर जीवित कर दिया और स्वयं प्रकट हुए और गुस्से में आकर त्रिशूल से सुदेहा का वध करना चाहा, परंतु घुष्मा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उनको यहाँ पर सदैव निवास करने का आग्रह करा। तो शिवजी ने उनको वरदान के रूप में सदैव यहाँ निवास करने का निर्णय दिया और तब से माना जाता है कि यहाँ पर शिवजी वास करते हैं और इसी वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग या घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। माना जाता है कि कोई भी निसंतान दंपत्ति सूर्योदय से पहले इस सरोवर में स्नान करे, शिवजी की पूजा करे और उसके बाद घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में जाकर अगर दर्शन करे तो उनको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। तो ऐसे आप घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद आप यहाँ पर पास में 800 मीटर के दूर पर एलोरा केव्स जा सकते हैं, जिसका प्राइस 40 रुपीज रहता है। यहाँ पर आप बहुत फेमस कैलाश मंदिर भी देख सकते हैं, जो कि आपको 20 रुपए के नोट के पीछे भी देखने को मिलता है। उसके बाद आप वापस औरंगाबाद की तरफ जाते हुए बस से ही दौलताबाद फोर्ट, जिसे देवगिरी फोर्ट कहा जाता है, उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं बजट की। बजट में आपको यहाँ पर स्टे इजीली 500 to 600 मिल जाएगा। उसके बाद है फूड। फूड आपको यहाँ पर मंदिर के पास कई वेज रेस्टोरेंट आपको इजीली मिल जाएंगे, जहाँ पर 100 से 120 की थाली आपको इजीली मिल जाएगी। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन आप 80 रुपीज़ का अगर पास बनवा लेते हैं तो आप औरंगाबाद में उस बस से कहीं पर भी इजीली घूम सकते हैं, और अगर आप ऑटो और कैब से जाना चाहते हैं तो उसके प्राइस पहले ही मेंशन कर दिए हैं। बजट के बाद अब बात करते हैं सबसे बेस्ट टाइम यहाँ विजिट करने का। सबसे बेस्ट टाइम यहाँ पर नवंबर टू फरवरी माना जाता है, क्योंकि पोस्ट मानसून यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौसम हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उनके साथ जो घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग आने का प्लान कर रहे हैं।
और अगर हमने कोई भी डिटेल देनी मिस कर दी है तो आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछिए, हम आपको जल्द से जल्द एडिक्वेट रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे साथ एक बार कमेंट में लिख दीजिए, हर हर महादेव।